नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। मामला शराब नीति में घोटाले का है, इसलिए गिरफ्तारी की गई है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है ताकि चुनाव में मोदी जी की राह आसान हो सके। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो सज़ा तो भुगतनी होगी और जाँच एजेंसियाँ तथा कोर्ट स्वतंत्र हैं और वो जो भी फैसला करती हैं वो सबूतों को देख कर ही करती हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही हैं। कोई केजरीवाल के समर्थन में बोल रहा है तो कोई विरोध में बोल रहा है। आइए इस मुद्दे पर आपको सुनवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय का एक बयान। उन्होंने जो कहा है इस पूरे मामले पर, वो इस पूरे मामले को एक तरह से शीशे की तरह साफ करके सारी तस्वीर आपके सामने रख देता है। आइए सुनते हैं अश्विनी उपाध्याय जी। 9 बार नोटिस देने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। 1-2 बार नोटिस नहीं दिया है, 9 बार नोटिस दिया है। और जब उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया, अपने बयान नहीं दर्ज कराए, जो ईडी इनसे पूछताछ करना चाह रही थी वो सामने नहीं आए और लगातार कोर्ट जाते रहे। हाई कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया, फिर ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं केजरीवाल ईमानदार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है गलत है। मैं आपको उनके कुछ पाखंड बताता हूं। पार्टी बनाने के पहले केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री हो गए, कभी उन्होंने भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव नहीं पास किया। पहले यही केजरीवाल कहते थे प्रॉपर्टी आधार से लिंक होनी चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री हो गए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना भूल गए। और मैंने जब पीआईएल फाइल किया और कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया कि ये प्रॉपर्टी आधार से कब तक लिंक होगी, तो केजरीवाल जी मेरी पीआईएल का विरोध कर रहे हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है। यही केजरीवाल कहते थे पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, कभी एक भी बार दिल्ली विधानसभा में न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा हुई, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हुई, न इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हुई। चलो दिल्ली में दिल्ली विधानसभा है यहां इसको फुल पावर नहीं है, लेकिन पंजाब विधानसभा के पास तो फुल पावर है। तो अगर वो कुछ कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में नहीं बना पा रहे थे तो प्रस्ताव तो पास करके केंद्र को भेज ही सकते थे, और पंजाब में तो बाकायदा उनकी सरकार कानून भी बना सकती है। तो सच्चाई है कि आज तक 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी केजरीवाल ने न कभी घूसखोरी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में चर्चा किया, न जमाखोरी मिलावटखोरी कालाबाजारी खत्म करने पे दिल्ली विधानसभा में चर्चा किया, न मिलावटखोरी रोकने पे दिल्ली विधानसभा में चर्चा किया, न कालाधन बेनामी संपत्ति को खत्म करने पे दिल्ली विधानसभा में चर्चा किया, न आय से अधिक संपत्ति खत्म करने और माफिया राज खत्म करने पर उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने किया क्या? जो 300 शराब के ठेके थे उसको 3 गुना कर दिया। जहां दिल्ली के हर वार्ड में 1 शराब का ठेका था, उन्होंने 3-3 शराब का ठेका खोलने का लाइसेंस दिया। और दिल्ली इस समय पूरी तरीके से नशे में डूब चुकी है। दिल्ली में लाखों पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है और नशे का कारोबार बढ़ाया है केजरीवाल ने। दिल्ली में लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है और ये नशे का कारोबार बढ़ा है केजरीवाल के राज में। लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है और ये जो नशे का कारोबार बढ़ा है ये केजरीवाल के राज में बढ़ा है। आज तक उन्होंने कभी भी जिन बातों को कह के आए थे, लोकपाल पास करेंगे, ऐसा लोकपाल बनाएंगे कि मुख्यमंत्री भी जेल में जाएगा, ये भी जेल में जाएगा, वो भी जेल में जाएगा। हालत ये थी कि मैंने पीआईएल फाइल किया है तब जाके दिल्ली में लोकायुक्त बनाने, तो लोकायुक्त बनाने के लिए तैयार नहीं थे। और वही पुराने कानून से लोकायुक्त चल रहा है जो शीला दीक्षित ने बनाया था, उन्होंने नया लोकायुक्त का कानून भी नहीं बनाया, ये उनकी सिचुएशन है। तो खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। केजरीवाल खुद को कहते हैं मैं ईमानदार हूं, लेकिन ईमान भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक भी उन्होंने कभी कानून नहीं बनाया। और वैसे भी आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचना, कभी भी दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार पे चर्चा हुई क्या? नहीं। और वास्तव में अगर केजरीवाल ईमानदार है, वास्तव में सिसोदिया ईमानदार है, सत्येंद्र जैन ईमानदार है, संजय सिंह आजाद है, तो मैं उनको तरीका बता रहा हूं। आप अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाइए और मीडिया के सामने लाइव होने दीजिए टेस्ट,
नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट ऐसा कोई खतरनाक नहीं है कि आपकी शरीर खराब हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक इंजेक्शन लगता है, उसी में नार्को टेस्ट हो जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता हो जाता है, ब्रेन मैपिंग हो जाता है। मैं तो केजरीवाल जी से कहता हूं, आपको ईडी ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करिए कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराना चाहता हूं, वो भी लाइव कराना चाहता हूं मीडिया के सामने, और सारे मीडिया के सामने होने दीजिए लाइव, पूरे देश को पता चलेगा केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं। और अगर आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में वास्तव में ईमानदार निकल गए तो ईडी के जो ईडी के ऊपर आरोप है वो सच हो जाएगा, इसका मतलब ईडी ने आपको गलत गिरफ्तारी किया। सिसोदिया को भी बुला लीजिए, संजय सिंह को भी बुला लीजिए, सत्येंद्र जैन को भी बुला लीजिए, उनका भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा दीजिए, देश को पता चल जाएगा कि आप जो बोलते हैं वो सच है या जो ईडी कर रही है वो सच है। बतौलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अब वो जमाना चला गया कि आप कहोगे कि ये भ्रष्टाचार है, लोग उसको भ्रष्टाचारी मान लेंगे, आप किसी को कह दोगे ये भ्रष्ट है उसको मान लेंगे ना। अब तो लोगों को सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए। वो जमाना चला गया जब आप कहते थे शीला दीक्षित भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, और सबने आपकी बात मानी, सबने आपको ऐतिहासिक हिस्टोरिक मैंडेट दिया, और उस मैंडेट के बाद आपने क्या किया? न आपने कभी वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने की मांग किया, न कभी आपने दिल्ली में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए कुछ किया। आपका वादा था ना, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि दिल्ली में जस्टिस विद इन ईयर होगा, हम इतनी कोर्ट बना देंगे कि दिल्ली में मुकदमों का फैसला एक एक साल में होगा। और सच्चाई तो यह है कि आपने हमारे एमएलए एमपी कोर्ट, जो हमारी पीआईएल था, उसका विरोध किया। आप चाहते नहीं एक जल्दी जल्दी मुकदमों का फैसला हो, और आप इसलिए नहीं चाहते, जल्दी जल्दी मुकदमों का फैसला होगा तो जल्दी जल्दी सजा होगी, और सजा होगी तो सफेदपोश नेता जेल में जाएंगे, तो दुकान बंद हो जाएगी। आपके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है, ये पूरी तरीके से मैं अच्छी तरीके जानता हूं। और अगर आप, मैं तो आपके समर्थकों से कहता हूं, जितने आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, मैं सबसे कहता हूं कि आप डिमांड करो कि केंद्र सरकार को भ्रष्टाचारियों को 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना चाहिए। आप डिमांड करो, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, विशेष सत्र में बोलिए, एक प्रस्ताव पास करके भेज दीजिए। पंजाब में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी एक विशेष सत्र बुलाइए, नशा तस्करों के खिलाफ फांसी देने का कानून के लिए प्रस्ताव पास करिए, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए प्रस्ताव पास करिए, काला धन बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने के लिए प्रस्ताव पास करिए, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने के लिए प्रस्ताव पास करिए। आपके पास देश में दो विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा आपके पास है, वहां ऐतिहासिक बहुमत है, पंजाब विधानसभा आपके पास है, वहां भी ऐतिहासिक बहुमत है, तो आप कम से कम दोनों विधानसभाओं से प्रस्ताव पास करके दिखाइए। आपको लगता है कि आप ईमानदार हो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाइए और कानून बनाने की मांग करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वास्तव में बीजेपी की सरकार गलत कर रही है, यह कैसे पता चलेगा? अरे ऐसे पता चलेगा जब आपका नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। आप वास्तव में ईमानदार हो तो एकदम दिखा दो पूरे देश को, केवल बतौलेबाजी करके थोड़ी होगा। अब आपकी बातों को कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि आपने 3 बार मुख्यमंत्री रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ ढेले भर का काम नहीं किया। आपने केवल कमीशन खोरी किया, शराब में कमीशन खोरी किया, जल बोर्ड पानी में कमीशन खोरी किया, टैंकर में कमीशन ले रहे हैं आप, चाहे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में कितनी कमीशन खोरी हो रही है, आप 50-50 करोड़ का शीश महल बनवा रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे से, आपका जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, आपके जल विभाग में भ्रष्टाचार है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जहां भ्रष्टाचार चरम पे नहीं है, और आप अपने आप ईमानदार बने घूम रहे। ऐसे नहीं होता ईमानदारी की बात। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सारे आपके समर्थकों से कह रहा हूं, अगर आप अपने समर्थकों को खुश करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन मूव करिए कोर्ट में, जमानत बाद में होगी, सबसे पहले अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए और देश को पता चल जाएगा कि आप ईमानदार हैं या आप भ्रष्ट हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।